देखिए वीडियो में इसलिए मैं बना रहा हूँ कि हमारा काम है। तो देखिए यहाँ पर मीडिया को काम करने नहीं दे रहे हैं लोग, और कहीं ना कहीं वहाँ के रहा है चीज़ें। तो मैं आपको सीधे तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूँ। क्या बात है? हमारे घर दारू बिका था। महक तो रहा है ना? हमारे नहीं महक है। महक रहा है दारू? बोलिए क्यों रोके वीडियो? हमारा तो काम है अपना करना, आप क्यों डर रही हैं? मेरा तरह से मानाटाट पुलिस को सफलता मिलता हुआ, और ये है दारू की जो देखिए ये दारू मिलता हुआ और सफलता मिलता हुआ, जिस तरह से नीतीश कुमार सीएम बिहार ने एक ज़बरदस्त पहल के तहत दारूबाजों के ऊपर एक तरह, और देखिए पोखरा है, पोखरा में फेंका गया था दारू। देखिए तमाम ये पाउच आपको देख सकते हैं सर, ये बड़ी सफलता है सकता है, एक तरह से दारू मिला सफलता है ना? हाँ सफलता है, पुलिस सफलता है। गुप्त सूचना के अनुसार आप लोग कार्रवाई, गुप्त सूचना के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। तो ये घर तो इनका है, नीरज पटेल का। तो देखिए नीरज सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस तरह से? आप नहीं है, लेकिन घर तो आपको है ना सर? घर है, कोई आगे पीछे बिक दिया होगा फंसाने के लिए। आप देखते हैं आगे इन्वेस्टिगेशन। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। तो जबरदस्त छापामारी चल रहा है सुखलाई बाजार में, जिस तरह से दारू का अड्डा बन चुका है। मैनाटाड़ा पुलिस पूरी तरह से सशक्त होकर यहाँ पर आ रही है, और देखिए हड़कंप सा मचा हुआ शराबियों के अंदर, जो कि दारू का अड्डा बना हुआ है। तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद के साथ अपना काम कर रही है, और मीडिया भी अपना काम कर रहा है। तो छप्पा छप्पा पर यहाँ पर पुलिस अलर्ट पर है, और अपना काम बखूबी अच्छी तरह से अंजाम दे रही है, गुप्त सूचना के अनुसार जो मिला है यहाँ पर कार्रवाई करने का। अब ये पूरी तरह से एक रिसर्च, एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आप देखते हैं आगे क्या मिलता है पुलिस, बिहार पुलिस मैनाटाड़ को। तो इस तरह से मैनाटाड़ पुलिस को सफलता मिलता हुआ, और ये है दारू की जो देखिए ये दारू मिलता हुआ और सफलता मिलता हुआ, जिस तरह से नीतीश कुमार सीएम बिहार ने एक ज़बरदस्त पहल के तहत दारूबाजों के ऊपर एक तरह, और देखिए पोखरा है, पोखरा में फेंका गया था दारू। देखिए तमाम ये पाउच आपको देख सकते हैं सर, ये बड़ी सफलता है सकता है, एक तरह से दारू मिला सफलता है ना? हाँ सफलता है, पुलिस की सफलता है। गुप्त सूचना के अनुसार आप लोग कार्रवाई, गुप्त सूचना के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। तो ये घर तो इनका है, नीरज पटेल का। तो देखिए नीरज सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस तरह से? आप मेरा नहीं है, नहीं है सर, लेकिन घर तो आपका है ना सर? घर है, कोई आगे पीछे बिक दिया होगा फंसाने के लिए। आप देखते हैं आगे इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, अब और पुलिस अपना काम करेगी। तो इस तरह से लगातार यहाँ पर मैनाटाड़ पुलिस को छापा के दौरान उन्हें सफलता मिलता हुआ, और इस तरह से जो यहाँ पर कब्जा में पुलिस लेते हुए यहाँ पर जो इनके घर पर दारू मिला है, और इस तरह से इनको पकड़ती हुई यहाँ पर अधिकारी, तो इस तरह से काफ़ी सशक्त हैं यहाँ पर पुलिस एक तरह से। और आगे क्या क्या कार्रवाई होता है मैं आपको दिखाऊंगा। तो सशक्त पुलिस क्या था, किस तरह से पकड़ा गया, मतलब कि पानी में फेंका हुआ था ना, खोजने पर जो है पानी में जो है सो जा करके खोजा गया, तो उसमें से मिला है। ये पुलिस टीम जो आई, आप लोग पटना से आई है क्या? नहीं नहीं, हम लोग मैनाटाड़ थाना से। जो कि देखिए एक तरह से तमाम, एक तरह से पोखरा शराब छुपाने का अड्डा बना था, लेकिन सशक्त पुलिस जो है मैनाटाड़ का, उसने छापा मारकर एक आदमी को अभी पकड़ा है, और तमाम जगह पर एक तरह देखा जाए पोलोथीन को, देखा जाए वो काला वाला पोलोथीन को। तो इस तरह से देखिए पुलिस अपना काम बखूबी अच्छी तरीका से कर रही है, घर घर जो एक तरह से शराब का अड्डा बना हुआ है यहाँ पर, उसमें है दारू, इसको छापा करते हैं। पोलोथीन जो काला वाला है, हाँ उसको निकालिए। मौजूद है बिहार के चंपारण सुखलाई बाजार में, और जैसे कि मैनाटाड़ पुलिस को गुप्त सूचना मिली है कि सुखलाई बाजार में यहाँ पर दारू बेचे जा रहे घरों में, तो बड़ी चुस्त दुरुस्त यहाँ पर मैनाटाड़ की पुलिस पूरी तरह से घर को एक तरह से छापा मार कर मुस्तैदी के साथ यहाँ पर एक तरह से छापा मार रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नीतीश सरकार दारू के लेकर काफ़ी सख्त है और बैन है, तो पूरी तरह से यहाँ पर मैनाटाड़ की पुलिस मुस्तैद है, और यहाँ पर एक तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, छापामारी हुई है, घरों में घुस घुस कर देख रही है कि, और यकीनन जिस तरह से सुखलाई में एक तरह से दारू का बाजार है, एक अड्डा है, तो दिलीप यहाँ पर बिहार पुलिस मैनाटाड़ पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर
छापा मार रही है। और देखिए मैं आपको सीधे इस वक्त दिखा रहा हूँ तमाम इस घर में एक छापा मारे गया है और इस वक्त काफ़ी अलर्ट यहाँ पर पुलिस मैनाटांड पुलिस और इसी घर में एक छापा मारा गया है और एक तरह से चीज़ें महक रही थी तो मैंने आके जैसे ही देखा कि पुलिस कहाँ जा रही है तो मैंने उनका पीछा किया और एक तरह से बहुत ही महक रहा था एक तरह से और मैनाटांड पुलिस काफ़ी चुस्त दुरुस्त सर के आप चल पाइए कार्रवाई पूरा करिए उसके बाद आपसे बात करेंगे। काफ़ी चुस्त दुरुस्त यहाँ पर मैनाटांड की पुलिस और घरों में एक तरह से देख रही है, सूचना मिली है तो मैं आपको देख रहा हूँ। और देखिए देखिए वीडियो में इसलिए मैं बना रहा हूँ कि हमारा काम है तो देखिए यहाँ पर मीडिया को काम करने नहीं दे रहे हैं लोग और कहीं ना कहीं महक रहा है चीज़ें तो मैं आपको सीधे तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूँ। क्या बात है तो हमारे घर दारू बिकाता तो महक तो रहा है ना हमारे नहीं महक है महक रहा है दारू बोलिए क्यों रोके वीडियो हमारा तो काम है अपना करना आप क्यों डर रही हैं मेरा तो चलिए मैं आपको और मैं आपको यहाँ पर एक तरह से जो छापा मारी है पुलिस उसका मैं कवरेज कर रहा हूँ और कह रही हैं कि वीडियो ना बनाएं जबकि मेरा ये काम है तो इस तरह से मैं एक तरह से लगातार चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी अलर्ट है बिहार पुलिस और अपना काम कर रही है बिहार पुलिस और ख़ास तौर पर मैनाटांड के पुलिस एक तरह से मुस्तैद है। सुबह अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहा है और अपना पुलिस काम कर रही है तमाम जगह एक तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर लगातार जो मतलब कि दारू लोग बेचते हैं और एट ए टाइम उस वक्त वहाँ पर महक देखी गई सूंघी गई तो महक थी दारू का अब